मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हम अपना घर से बैग पैक करके निकल चुके हैं और संदीप की छावनी से हमें अपने कस्टमर को लेना है और लेने के बाद फिर आपको बताते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अब बातचीत का सिलसिला तो धीरे धीरे चलता रहेगा, सुबह ही सुबह ट्रैफिक कम होता है, कम से कम इतना तो होता है ना कि सुबह ही सुबह ट्रैफिक से निजात तो मिलता है। और बाकी जैसे ही 10 के बाद फिर तो जाम लगना शुरू हो जाता है सिटी के अंदर। हाँ, तो अभी हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं जहाँ से हमें बाकी के लोगों को पिकअप करना है, तो फिर उनको पिकअप करने के बाद फिर आपसे बात करते हैं। बाकी फिर इसी के साथ मैं आपसे ही पूछ लेते हैं, कैसे हो मेरे ट्रैवलिंग के दीवानों। मेरा नाम है आदित्य रेड स्टार और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। ये माइकी तो अभी हम मुरैना टोल से पहले एक नदी पड़ती है जहाँ पे हम रुके हुए हैं, क्योंकि हमारे अंकल जी को कुछ पूजा की सामग्री है जो कि विसर्जन करनी है। तो अभी हम धौलपुर देवपुरी बाबा के मंदिर पर रुके हुए हैं और हमारे बीके अंकल गए हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, जो कि आपको छोटी स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे आते हुए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हरिद्वार। आज का सीन ऐसा है कि कल हम लोग बहुत लेट निकले थे, इसलिए हमने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। बाकी जितना किया वो तो आप लोग देख ही चुके हो। और आज हमारा दूसरा दिन है जो कि हम अभी हरिद्वार में हैं। और अभी मैं सुबह इसलिए निकला हूँ क्योंकि हमारी गाड़ी का जो अल्टरनेटर का बेल्ट होता है वो क्या ढीला हो गया है, उसकी वजह से बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही है। तो मैं सुबह अपना अल्टरनेटर का बेल्ट टाइट करवाने के लिए निकला हूँ। तो सबसे पहले हमें ढूंढना है वर्कशॉप, और वर्कशॉप यहाँ से करीबन मेरे को 5-7 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आसपास कोई टेम्पो ट्रैवलर का मिस्त्री नहीं होता। और आप लोग भी अगर यहाँ पे आ रहे हो और आपके पास टेम्पो ट्रैवलर है और कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ज्वालापुर के एरिए में ही आपको टेम्पो ट्रैवलर के मिस्त्री मिलेंगे। तो खासकर ध्यान रखना कि आपको ज्वालापुर जाना है, ज्वालापुर में आपको आराम से टेम्पो ट्रैवलर के मिस्त्री मिल जाएंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो वहाँ पे सॉल्व हो सकती है। वैसे तो हमारी गाड़ी में कोई काम नहीं है, मतलब ये तो एक मामूली सी बात हुई, पर अगर ज़्यादा दिक्कत आ गई तो हम लोग ऊपर फिर मिस्त्री ढूंढ भी नहीं सकते ना, क्योंकि ऊपर जाके पहाड़ियों पर मिस्त्री आसानी से नहीं मिलता, हमें नीचे से ही उसको ले जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा तो हम लोग यहीं पर जो करना है वो यहीं पर करवा लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इसलिए मैं सुबह निकल पड़ा हूँ। अब पहले मैकेनिक को ढूंढा जाए और उसके बाद बेल्ट टाइट करवा के। वैसे यहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा है, अभी रात भर से बारिश हो रही है यहाँ पे, आप लोगों को दिख रहा होगा सारी सड़कें गीली पड़ी हैं। अभी सुबह का वेदर काफ़ी ठंडा हो चुका है, मीठी मीठी सी ठंड है
और हम उस ठंड के मजे ले रहे हैं। वैसे यहाँ पे सारी रात आज बारिश हुई है, बाकी ग्वालियर में तो अभी सूखा पड़ा है, मॉनसून चले गए और हरिद्वार में अभी बारिश हो रही है। ओ नो यार, क्या हो गई यहाँ पे, तो इन लोगों ने बैरिकेड लगा के रखा है क्योंकि क्योंकि आगे रेलवे का पुल है। चलो अंकल जी, यार फिर से पूरा घूम के जाना पड़ेगा। गूगल आंटी का भी कोई भरोसा नहीं है, कब धोखा दे जाए। वैसे गूगल मैप एक सही चीज है, बट हम लोग इसका ज्यादा यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये खाली बाइक और कार की लोकेशन ट्रैक करता है। अब गूगल आंटी को ये तो पता नहीं है कि बंदा जो फोन चला रहा है उसको यूज कर रहा है वो कार में बैठा है या बस में बैठा है। कार तो वहां से आसानी से निकल जाती। चलो ठीक है, कोई ना, 2 किलोमीटर और सही। तो भाई इतना सारा भटकने के बाद हमें मिस्त्री साहब मिल चुके हैं। अब ये देखना ही है कि उनकी शॉप खुली है कि नहीं खुली है, क्योंकि अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और इतने जल्दी कोई आता भी है इधर के नहीं आता है। हमारे उधर तो 10 बजे से पहले कोई नहीं आता। बट हाँ, यहाँ तो आ रखे हैं भाई। बढ़िया तरीके से कर दियो, रास्ते में परेशान नहीं करें, तो ऊपर तो मैकेनिक भी नहीं मिलते। हाँ हाँ, देख लो आराम से अपने हिसाब से। अल्टरनेटर आता है ना, वो वाला अल्टरनेटर नहीं है इसमें, इसमें बिंगर का अल्टरनेटर लगा है बड़ा वाला, क्योंकि इसमें तामझाम कुछ ज़्यादा लगा है ना, एसी 3.5 टन का है तो वो क्या लोड झेल नहीं पाता इसका जो ओरिजिनल अल्टरनेटर होता है, इसलिए इसमें बड़ा अल्टरनेटर लगवाया है। तो अल्टरनेटर को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ ठीक से। तो अभी तो सही घूम रहा है ना। तो भाई अभी तो अपनी गाड़ी तैयार हो चुकी है, भाई ने अल्टरनेटर पूरा टाइट कर दिया है। अब बाकी आगे चल के देखते हैं होता क्या है। अब मेरी भगवती मेरे को परेशान ना करे बस, भाई अब आशा तो यही है कि आगे चल के परेशान ना करे। बाकी आपने ढंग से चेक कर लिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है भाई आपका? बासित। अच्छा, इंतियाज मिस्त्री के नाम से। तो भाई राशिद भाई ने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। और राशिद भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो दिल से शुक्रिया आपका, ठीक है, क्योंकि इतने सुबह ही सुबह कोई काम करने के लिए नहीं आता यार। हम लोगों को भी पता नहीं होता कि इतने सुबह ही सुबह कोई हमें उठाए, ठीक है। तो भाई राशिद भाई थैंक यू। हमें 14 किलोमीटर वापसी जाना है। ये देखो गूगल आंटी क्या बोल रही है। तो यार अभी भी हल्की हल्की से बारिश हो रही है, ये छोटी छोटी बूंदे देख रहे हो फ्रंट ग्लास पे। अभी मैं उस चौराहे से पूरा अंदर गया था, अंदर जाके पूरा अंदर ही अंदर घूम के फिर उधर पहुंचा हूँ ज्वालापुर। भाई याद रखना ज्वालापुर जाना है आपको, किसी भी तरीके की मैकेनिकल प्रॉब्लम हो आपकी गाड़ी में तो आपको सीधा ज्वालापुर पहुंचना है, क्योंकि यहाँ पे कार के मिस्त्री तो 2-3 जगह मिल जाते हैं पर टेम्पो के मिस्त्री ज्वालापुर में ही मिलेंगे आपको। हाँ
तो अभी सब लोग नहा धो के आ चुके हैं और हम निकल रहे हैं ऋषिकेश आईटी ऑफिस। वहां जाके हमें अपना परमिट रिन्यूअल करवाना है। सीओ चले चिल्ला रहे था, तो कह रहे हैं भाई को चिल्ला रहे हैं। कहां गए अंकल? कहां पक गए हैं? आ रहे हैं। क्या बात करते हो यार? वो क्या आगे मिलेंगे कि इधर ही बारी होंगे? नहीं उधर की जय रजिस्ट्रेशन देखना पड़ेगा। हैं रजिस्ट्रेशन देखना पड़ेगा। तुम्हारा कितना टाइम लगता है रजिस्ट्रेशन का? हां पहले ऑनलाइन करवा लेते ना। हाँ तो सही रहता है। ये रही हम पे आ गए बड़ी हम पे दोनों की बैठ ले दो आए वो बैठो एक और ये तमावे ना बाजार में क्या बना रहे आप कितना के गुड इवनिंग जी। तो हरिद्वार से हम लोग 8:30 बजे निकले थे और बाकी का हमारा जो दिन का टाइम था वो सारा आईटी ऑफिस में ख़राब हो गया। और इतना टाइम ख़राब होने के बाद फिर हमने सोचा कि हम ऋषिकेश में ही रुकेंगे। और उसके बाद हमारी गाड़ी का एक टायर ख़राब हो गया था तो वो भी हमने ऋषिकेश से ही लिया है। और उसके बाद पचौरे अंकल हमें लेके गए ऋषिकेश आश्रम जो कि इनके मिलने वालों का था। और आश्रम और आसपास का व्यू वो भी बहुत सुंदर था। तो अभी सब लोग आश्रम के आसपास की वादियों के नज़ारे लिए जा रहे हैं और कुछ लोग अभी भी रूम में ही हैं और बाकी के लोग नदी के किनारे पत्थरों पर बैठे हुए हैं ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए। तो ये रही हमारे पीछे गंगे मैया जो कि काफ़ी रफ्तार से बह रही हैं। अभी पानी का बहाव बहुत कम है बट जब पानी का बहाव बढ़ता है तब आश्रम की सीढ़ियों तक पानी जाता है। और थैंक यू पचौरी अंकल आश्रम में लेके आने के लिए।